अब्बू जान मुझे एक बात बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली के एक इशारे से चांद को दो टुकड़े में कैसे कर दिए? माशाल्लाह, अच्छा सवाल पूछा है। चांद के जो दो टुकड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे, उसको मोजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजिज़ा। मोजिज़ा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी से, जितने नबी, अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से या अपने रसूलों से कभी ऐसी खिलाफ आदतें या ऐसी बातें जाहिर करा देते हैं जिनके करने से दुनिया के और लोग आजिज़ होते हैं, कासिर होते हैं, बेबस, आम लोग जो नहीं कर सकते हैं, ताकि लोग ऐसी बातों को देख कर समझ ले कि ये खुदा के भेजे हुए नबी हैं या खुदा के भेजे हुए रसूल है, खुदा के भेजे हुए पैगंबर है। इन बातों को मोजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजिज़ा कहते हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली के इशारे चांद को दो टुकड़ा कर दिए। कुरान एक ख़ुद बहुत बड़ा मोजिज़ा है। इस जैसी किताब दुनिया में कोई नहीं बना सकता, एक आयत भी नहीं बना सकता है। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो मोजिज़ा दिए थे वो ये था कि लाठी को नीचे रखते सांप बन जाए और ऊपर ले तो लाठी बन जाती थी। इसी तरीके से बगल में हाथ डालते थे तो चमकने लगता था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ा दिया कि जो अंधे होते उसके आँख पे ऐसे हाथ फिरते थे उनकी रोशनी लौट आती थी, जिनको स्किन डिजीज़ की, कोढ़ की बीमारी होती थी, हाथ ऐसे फिर देते थे वो ठीक हो जाता था। इस सबको मोजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सबको मोजिज़ा कहते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार बहुत सारे मोजिज़ात हैं।